नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। सीधा आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बाबा गोला गोकर्णनाथ पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है, फोर लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को जानना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था, देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 7 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान, जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय। बहन और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था, अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री सर्वेत कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार से वाल लड़ पा रहा है। और बनौर वाले, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 के चुनाव
संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वही भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम जीरो बटे जीरो होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, और भाइयों उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इनके इन प्रकार इन सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नंबर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्मरण करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और चलिए लखीमपुर खीरी से अब आपको बहराइच लेकर चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं। काम करेंगे न केवल एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा, इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया, और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले अपने भाइयों को कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने, कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, हम अपने किसानों का भी उसी तरीके से कर्ज माफ करेंगे जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भाइयों ने कर्ज माफ किया है। कर्ज माफ होगा, कर्ज माफी के साथ साथ हम अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए अगर मंडी बनवानी होगी तो मंडी बनवाएंगे, बिजली सस्ती देनी होगी तो बिजली सस्ती का इंतजाम करेंगे, और अगर सिंचाई का पानी भी मुफ्त देना पड़ा तो अपने किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी मुफ्त देने का काम होगा। जहां किसान इस सरकार के खिलाफ खड़ा है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार हो गया है। नौजवानों ने भी फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि जितना धोखा किसानों को मिला है उससे कई गुना ज्यादा हमारे नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। ये जो नौजवान यहां पर होंगे, जिन्होंने परीक्षा लिखने के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं पूरी हुई जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। हमारे नौजवान जानते होंगे, कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होकर के हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। न केवल इनका पेपर लीक करके नौकरी छीन ली, वहीं
ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है इसको भी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां हम लोग नौजवानों को भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं 30 लाख वो तो दी जाएंगी और जो अधूरी नौकरी है अग्निवीर की, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये अग्निवीर की व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, ये आधी अधूरी नौकरी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और जिस तरीके से नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है, अगर इसका हिसाब किताब लगाएं तो अभी तक 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनको परीक्षा से दूर कर दिया गया, जिनकी नौकरी छूट गई परीक्षा के पेपर लीक होने से। 60 लाख ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिनका पेपर लीक होने से, पेपर रद्द होने से भविष्य अंधकार में चला गया। अगर 60 लाख नौजवानों के बच्चों के अगर हम परिवार को जोड़ लें और केवल मां बाप को जोड़ें तो उसका हिसाब किताब लगा लेंगे अगर आप, तो 60 लाख गुणा 3 लगभग 1,80,00,000। और यही 1,80,00,000 लोग अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो लगभग 2,25,000 वोट हर विधानसभा में इनका कम हो गया। और यही 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम कर रहा है। मैंने कई मौकों पर कहा कि अभी तो ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो गई है। और इस बीच कन्नौज आपको लेकर चलते हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं, देखिए। उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक पूरा भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी
पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापिस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई वे कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था बॉन्ड का, तो जिसमें ये बॉन्ड की जो रिपोर्ट खोली गई, जब रिपोर्ट सामने आई प्रकाशित हुई तो उस रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है, लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा नहीं होगा रिपोर्ट के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से लेके अब तक हमारी पार्टी तो देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही तो उनके आर्थिक मदद से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो पार्टी के संगठन को चलाती है, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है, और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद के साथ साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बीच चित्रकूट में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवी में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान है, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था।
लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है। और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर के सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये आज फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। राजनीति का चाल चरित्र, राजनीति का चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, आज जवाबदेही की राजनीति हो गई है, आज सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति हो गई है और आज राजनीति विकासवाद की हो गई है। मैं देख रहा था कि आर के पटेल जी भी आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। कभी आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना कि उसने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा? सुना भाई, कभी सुना? ये संस्कृति मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है।